नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी में बेचू में जो 2750 बेड का अस्थाई कोविड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करने दीपक अग्रवाल मंडल आयुक्त और जिला अधिकारी श्री कौशल राज शर्मा जी आज मीडिया से मुखातिब हुए। निरीक्षण के बाद बताए कि जो इस हॉस्पिटल का कोविड के मरीज अदर हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, उन सबको रेफर करके यहाँ ला के एडमिट किया जाएगा, ना कि सीधी भर्ती यहाँ की जाएगी। सीधी भर्ती अभी यहाँ नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टरों को कुछ कमी है, जो कि डॉक्टर केंद्र से और बाकी के यहाँ के डॉक्टरों को मिलाकर वहाँ एक दिन की ट्रेनिंग के बाद ये कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे बनारस में कोविड पेशेंट को बड़ी राहत मिलने वाली है। नहीं है वो तो हमारा, ये बाकी अस्पतालों में जहाँ सीरियस पेशेंट होंगे उनको और जो रेफर होके पेशेंट आएंगे केवल उनको लिया जाएगा। सीधी भर्ती यहाँ शुरुआत में नहीं की जाएगी। अगर बेड खाली रहते हैं 3-4 दिन के रनिंग के बाद और लगता है कि सीधी भर्ती की स्टेटस में हम लोग आ गए हैं, तब ये निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जो शुरुआती दौर में इसमें जो भर्तियां होंगी वो बाकी अस्पतालों से पहले मरीज ट्रांसफर करा के होंगी, ताकि उन अस्पतालों में बेड खाली हो जाएं और जिनको सीधी भर्ती पहली बार लेनी है वो उन अस्पतालों में आ जाएं। सभी अस्पतालों को हम एक दो दिन में एडवाइजरी जारी करेंगे। उनके यहाँ जितने भी सीरियस पेशेंट रेफर करने लायक हैं जो यहाँ भेजे जा सकते हैं, पहले उनकी लिस्ट बना के तैयार रखें, पहले उन्हीं पेशेंट्स को यहाँ लाया जाएगा। इसी प्रकार जितने सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में लोग ऑलरेडी एडमिट हैं उनको यहाँ शिफ्टिंग की आवश्यकता है तो वो होंगे। इसके अलावा ये भी संभावना है कि आसपास के जिलों के जिला अस्पतालों से भी लोग रेफर होके आएँ, इसलिए कुछ बाहर के जिलों के लोग भी यहाँ पे नेचुरली आएंगे, इसलिए पहले रेफरल ही इसको बनाया जाएगा, सीधी भर्ती यहाँ पे नहीं होगी। तो 3-4 दिन के रनिंग के बाद जो बेड की पोजीशन निकल के सामने आएगी उसके अनुसार इसमें फिर बाद में निर्णय लिया जाएगा। सर, 750 बेड हैं, 750 बेड का बाइफर्केशन कैसे, कितने ICU के लिए हैं, कितने ऑक्सीजन बेड हैं, कितने सामान्य बेड हैं, ये कैसे में 250 बेड के तीन अलग अलग जोन बनाए गए हैं, तीन अलग अलग शेड हैं। उसमें एक 250 का शेड पूरी तरह ICU है, उसमें सभी पे वेंटिलेटर, सभी पे सारी व्यवस्थाएं जो जीवन रक्षा के लिए होती हैं वो लगी हुई हैं। बाकी जो 250 के दो अलग शेड हैं वो प्लेन ऑक्सीजन के बेड हैं, हालांकि उन पे भी बाईपैप का और HFNC का इंतजाम इमरजेंसी के लिए रहेगा। 50 HFNC 50 BiPAP वहाँ भी मोबाइल यूनिट की तरह रहेंगी, ताकि उन 250 की दो यूनिट्स में 500 लोगों को भी जीवन का संकट आता है तो तुरंत उसके ऊपर भी मशीन लगा के उनका जीवन बचाया जा सके और बाद में ये ICU के 250 बेड के कंपार्टमेंट में उसको शिफ्ट किया जा सके। तो तीन प्रकार से ये 250 की कैपेसिटी के हिसाब से ये 750 बेड का अस्पताल है। लगभग सारी व्यवस्थाएँ हो गई हैं, कल इसमें ऑक्सीजन डाली जाएगी और सारे वेंटिलेटर्स की टेस्टिंग की जाएगी। एक दो दिन में सारे डॉक्टर्स हैं वो भी ड्यूटी पर रिपोर्ट करने वाले हैं। 3-4 दिन में इसकी व्यवस्था है धीरे धीरे रनिंग में आ जाएगी, मतलब अगले हफ्ते तक इसके प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। अगले हफ्ते इसको प्रारंभ करना ही है। इसमें मोबिलाइजेशन जो ड्यूटीज का है वो लिखा पढ़ी में आदेश जारी होने शुरू हो गए हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ कुछ डिफेंस से आएंगे, कुछ BHU से आएंगे, दोनों प्रकार से मिला के ये सारी व्यवस्था बन गई है। भारत सरकार से प्रतिदिन इसके बारे में वीसी चल रही है, एक दो दिन में सारे आदेश जारी हो जाएंगे, लोग ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। इधर इसमें लिक्विड ऑक्सीजन डाल के टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, जैसे ही स्टाफ आएगा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक दिन करा दी जाएगी, उसके अगले दिन अस्पताल चालू करा दिया जाएगा। करीब 90% काम पूरा हो चुका है, एक दो दिन में जितना भी और काम बचा है वो भी सारा कार्य पूरा हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी टाइप की बातचीत चल रही है, ऑक्सीजन का जैसे हम लोग टाइप हो जाता है मैन पावर भी हम लोग 2-4 दिन में आ जाएंगे। और बहुत शीघ्र ही ये 750 बेड का अस्पताल है, इसका प्रथम फेज में 250 बेड के जो ICU बने हैं उसको हम लोग बहुत शीघ्र ही संचालित करेंगे। इसमें मरीजों की भर्ती कंट्रोल रूम के माध्यम से ही होगी और जो भी रेफर किए जाएंगे केसेस वो यहाँ पर आएंगे, उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था बना ली है। और यहाँ पे जो मेजर जनरल साहब आए हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हो गया, DRDO के साथ भी कोऑर्डिनेशन हो गया है और बहुत शीघ्र ही अस्पताल को संचालित करना। जिस तरह से वेंटिलेटर वगैरह बाहर से भी कुछ मंगाए गए हैं तो इसके मरीजों को कितनी मदद मिलेगी? पूरी मदद नहीं, करीब करीब 250 वेंटिलेटर के बेड हैं, 50 हमारे बाईपैप हैं, कुछ एचएफएनसी आज हैं और बाकी सारे उपकरण भी हमारे करीब करीब आगे हैं। सर, इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी, इनमें 3 लोगों को भर्ती कराया जाएगा? बताया तो आपको भाई, बताया तो इसमें रेफर जो रेफर होंगे। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो।
इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।